हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जय माता दी। आप सबको पहले नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके दुख दूर करे। तो यहाँ मैं सजा रही थी अपनी माता रानी की चौकी, तो ये झालर मैंने यहाँ लगा दी थी और ये लाइटिंग भी यहाँ लगा दी थी और ये टूल रखे इसके ऊपर मैंने, मेरी ये साड़ी है, मैं पहनती नहीं हूँ इसको, काफ़ी सालों से नहीं पहनती हूँ। ये अच्छे से वॉश करी हुई रखी हुई थी, फिर भी मैंने एक बार वॉश करके फिर सुखा के अच्छे से यहाँ बिछाई है। इसके ऊपर माता रानी की चौकी भी अच्छे से साफ करके मैंने लगा दी थी और गंगा जल छिड़क के सब कुछ मैंने यहाँ पवित्र कर दिया था। तो कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर, कैसी लग रही थी ये चौकी मेरी। तो यहाँ मैं माता रानी की जो फ़ोटो लेके आई थी, तस्वीर, उसको भी मैं आज सुबह ही लेकर आई थी, उसको भी मैंने साफ़ करके अच्छे से गंगा जल छिड़क के पहुँच के यहाँ पर मैंने चौकी के ऊपर यहाँ पे लगा दिया था, मतलब स्थापित कर रही थी मैं। तो मेरे को जब मैंने साफ़ सफाई का वीडियो डाला था ना कि मैं नवरात्रों की साफ़ सफाई कर रही हूँ, तो मेरे को किसी मतलब कमेंट आया था एक दो जन का कि हमने कभी नवरात्रि मतलब कि ये नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो बना के शेयर करिएगा। तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जितना मुझसे बन सका है हो रहा है उतना ही कर रही हूँ। प्रॉपर तो पूरा नहीं दिखा सक रही क्योंकि मुझको भी पूजा के लिए लेट हो रहा था, तो जितना मुझसे हुआ उतना मैंने आप लोगों को दिखाया। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो। तो यहाँ मैं ये नया न्यू पेपर लेकर आई थी, कलर पेपर, तो मैंने बिछा दिया था उस कपड़े के ऊपर, साड़ी के ऊपर, ताकि कुछ गिरे अगरबत्ती वगैरह या घी कहिए तो साड़ी ख़राब ना हो। तो पेपर बिछा दिया था और लुक भी अच्छा आ गया था, उससे अच्छा लग रहा था यहाँ पर वो पेपर बिछा के। फिर मैंने सेलो टेप से सारे दोनों साइड से वो मतलब ये उठ रहा था तो सेलो टेप से चिपका दिया था। यहाँ मैंने अपने बाबू से बोला, बाबू थोड़ा लाइट जला के दिखा तो कैसा लग रहा है। तो उसने मतलब ट्यूबलाइट तो बंद कर दी, वाली लाइट जला दी, तो अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा गाइस। और पता है मैंने अभी वॉइस रिकॉर्डिंग करी थी पर मैं वॉइस का यही करना भूल गई, खाली बके जा रही, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ रही है मुझको। तो चलिए कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है, अपनी गलती थी किसी और की थोड़ी ना। तो यहाँ पर मैं ये लाइटिंग वगैरह सब कुछ ठीक कर रही थी, तो मैंने कहा आप लोग के साथ ही शेयर करती हूँ, रिक्वेस्टेड वीडियो था, तो मैंने कहा चलिए ठीक कर देती हूँ। और यहाँ पर ये लोटा था, मतलब लोटा था मेरा पीतल का है, ये रखा रहता पूजा के ही काम आता है, तो मैंने मांस धो के सफ़ा तो कर लिया था ये, पर फिर भी कैसा लग रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ऐसा रखने में। तो मैंने क्या किया, ये नया कपड़ा ही था एकदम नया, मंदिर वंदिर में ही बिछाती हूँ मैं, नया ही लाई थी, रखा ही हुआ था, तो मैंने इसी कपड़े से, लाल कपड़े से इसको पूरे को कवर कर दिया इस लोटे को, क्योंकि इस पर मुझे कलश बिठाना था। तो देखिए ऐसा लग रहा है, इस तरह से कवर करके और सेलो टेप से मैंने चारों तरफ से चिपका दिया था ताकि ये छूटे ना। तो अच्छा लग रहा है ना, कैसा लग रहा है, अब सही लग रहा है, पहले से यार मुझे तो सही लग रहा है। और ये फ़ोटो देखिए, मेरे हस्बैंड लाए थे, मैंने उनसे मंगाई थी कि माँ दुर्गा की फ़ोटो ले आना कल रात, तो वो देखिए इतनी सी लाए थे, बोले कितनी बड़ी लाऊं, उनकी ज़्यादा बड़ी नहीं ज़्यादा छोटी भी नहीं, तो वो इतनी सी लेकर आए, अब इसमें कहाँ मैं चुनरी लगाऊंगी, कहाँ माला पहनाऊंगी। और ये वाली फ़ोटो देखिए मैं आज सुबह फिर जाकर लेकर आई, मैंने कहा उसमें कहाँ मैं माला चुनरी पहनाऊंगी, वो तो पूरी ढकी जाएंगी दिखेंगी नहीं। और ये प्लास्टिक का दिया मैंने दीपा पिछली दीपावली पर लिया था, तो उसकी वो लोहे की वो निकल गई थी, तो मैंने यहाँ लगा दिया, अच्छा लग रहा था। उसके ऊपर एक मिट्टी का दिया रख दिया था, ये एकदम नया रखा हुआ था मेरे पास, तो पिछली दीपावली का, तो वो मैंने यहाँ रख दिया था, माता रानी का दिया जल जाएगा, इसमें भर लिया था मैंने पानी और जो मतलब करना होता है वो मैंने अपना सब कर दिया था नियम कानून। और फिर नारियल लेके नारियल को इस पर रखूँगी, नारियल भी अच्छे से मैंने वॉश वॉश कर लिया था सारा अपना, वॉश वगैरह करके। और इन लोगों के पीछे देखो मेरे बेटे की चल रही है मस्ती, और ये पता है इतना डांस का ये दीवाना है, डांस करते करते अभी पलंग पे से गिर गया था इस लड़के को, फिर भी शांति से नहीं बैठ रहा है, मैंने डांटा फिर भी नहीं। तो यहाँ हमारे यहाँ तो इसको कलावा बोलते हैं पता नहीं, और दूसरी जगह क्या बोलते हैं, मोली वोली पता नहीं क्या बोलते हैं, बताइएगा ज़रूर। तो वो मैंने 5 बार या 7 बार जैसे भी हो इसको मतलब कवर बांध के इस पर रख देते हैं, तो मैं इस तरह से रख के देख रही थी नारियल, तो मैंने सीधा रखा तो वो ना कैसा हिल सा रहा था, तो मतलब मैंने मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये गिर ना जाए, तो इसीलिए फिर मैंने उसको मतलब आड़ा करके मतलब सुला के इस तरह से रख दिया था। तो मैंने कहा चलो वैसे भी ठीक है, क्योंकि सीधा रख रही थी तो वो हिल रहा था, तो मुझे डर लग रहा था कि मैंने अगर गिर गया तो फिर और बेकार ये हो जाएगा पूरा, कि कराए पे पानी फिर जाएगा। यहाँ पर ये मैंने लेकर आई थी, सब नया ही लेकर आई कल मैं, और ये मेरे पास सिंदूर की एक डिब्बी रखी थी नई, बिल्कुल नई रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलिए माता रानी की सिंदूर की डिब्बी बना देती हूँ मैं इसको, तो उसमें डाल के मैंने रख दिया। और यहाँ आम के पत्तों भी कलश में, मैंने आम के पत्ते नहीं लगाए, तो आम के पत्ते मैंने अच्छे से वॉश करके इन पर कुमकुम और चंदन का टीका लगा के मैं कलश में
इस तरह से लगा दूंगी, पांच हो या सात हो, इस तरह से लगाने के बाद में तब फिर उसको मतलब ये नारियल पे भी मैंने लगा दिया चंदन और कुमकुम का टीका, लगाने के बाद इसको फिर मैं स्थापित कर दूंगी, अच्छे से बिठा दूंगी। फिर इसका हम ये नहीं करेंगे कुछ भी, मतलब हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, फिर ये ऐसे ही रहेगा, 9 दिन तक रखा रहेगा, इसको फिर हिलाना नहीं होता हमारे यहाँ पे, तो ऐसे करना रहता है। मेरा बाबू बार बार पूछ रहा था, मम्मा क्या कर रही हो ये, मम्मा क्या कर रही हो। मैंने कहा बेटा पूजा कर रही हूँ, आप देखो पहले। फिर ये और आम के पत्ते थे, तो बोलते हैं ना कि किस कुछ भी पूजा पाठ हो कुछ भी हो तो दरवाजे पे आम के पत्ते लाल धागे में करके बांधो तो शुभ माना जाता है, तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा थे, आ गए थे। ये नीचे पेड़ लगा हुआ था आम का, तो मैं तोड़ के क्या, मेरे नीचे एक भाभी हैं उनके बेटे से मैंने तोड़वाए थे, मेरा तो हाथ ही नहीं रहा था, तो उसने बेचारे ने तोड़ दिए, बोले ठीक है मैं तोड़ दे रहा हूँ, तो उसने तोड़ के वो काफ़ी सारे ले आया, दे गया था। तो मैंने कि चलो ठीक है मैं दरवाजे पे भी बांध दूंगी और अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, तो आ गए हैं एक्स्ट्रा, तो ठीक है मैं दरवाजे पे भी बांध देती हूँ। तो मैंने इस तरह से मतलब इसमें बांध के लाल वाले वही कलावे में धागे में बांध के मैंने टीका लगा के इनको भी कुमकुम और चंदन का अपने दरवाजे मैन दरवाजे पे बांध दिए थे। फिर उस देखिए इस तरह से, तो और पता है गाइस पता नहीं क्या लास्ट में जो मैं मतलब बोल रही हूँ ना वीडियो में, तो पता नहीं क्यों वो अटक रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्यों, मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा और एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने 2 आम के पत्ते और लिए थे, उस पर बिठा रही थी मैं सुपारी एक, क्योंकि सुपारी को गणपति जी का रूप माना जाता है, तो सब पूजाओं से पहले पहले गणपति जी की पूजा होती है, आप सभी को पता है। तो यहाँ मैंने इनको बिठाया था, फिर उनको भी पूजा कर दी थी, मतलब करूँगी। और अभी यहाँ फाइनल लुक है, पूरा तैयार हो गया था मेरा मंदिर, तो देखिए बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा मंदिर, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। तो कैसा लगा मुझे बताइए ज़रूर। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ हम अपनी पूजा। और यहाँ लगा रही थी मैं माता रानी को, सबको कुमकुम और वही चंदन और कुमकुम सब माता रानी को। मैंने अपने वो पहले मंदिर में भी, अपने घर के मंदिर में भी नया कपड़ा बिछा दिया था माता रानी की, उनकी भी नई चुंदरी लाई थी, दोनों माता रानी की अलग अलग चुंदरी नई लेकर आई थी मैं, दोनों को उड़ा दी थी। और मंदिर भी पूरा मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, साफ़ सुथरा कर दिया था। तो चलिए यहाँ हम कर लेते हैं अपनी पूजा, शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने दिया लगा दिया था और जितना मुझसे हुआ मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। माता रानी सबके कष्ट दूर करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे यार, मैं तो यही दुआ मांगती हूँ कि माता रानी जल्दी से जल्दी इस कोरोना की बीमारी को दूर कर दे, सब पहले की तरह मिलें, हंसें बोलें, एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे के पास जा सकें। तो जय माता दादी बोलिए आप लोग भी, जय माता की। कर रहे थे आरती माता रानी की, आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए माता रानी की आरती में शामिल हो जाइए, आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए माता रानी से कि माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबके दुख दूर करें, सबसे पहले इस कोरोना को भगाएं ताकि सब आपस में मिलजुल सकें यार, सब अपने मतलब अपने अपनों के पास जा सकें, अपनों से मिल सकें, पहले की तरह सब
कुछ नॉर्मल हो जाए, मैं तो यही कहूँगी। तो बोलिए जय माता दी। तो यहाँ मेरा पूजा वूजा सब हो गई थी। देखिए पूजा होने के बाद तो और भी ज़्यादा मेरा मंदिर लग रहा था खूबसूरत। और ये झालर मैंने अपने हाथों से बनाई है, कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। मेरा मंदिर कैसा लग रहा था ये भी ज़रूर बताइएगा आप लोग कि कैसा लगा सब कुछ आप लोगों को। तो बोलिए जय माता दी। चलिए जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। जय माता दी। माता रानी आप सबके ऊपर अपनी मेहर बनाए रखे, सबके दुख कष्ट रोग जो भी हैं तकलीफें सबको दूर करें माता रानी, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। मेरी तो बस यही आस है माता रानी से कि बस माता रानी जल्दी से जल्दी ये बीमारी को भगा दे, कोरोना जैसी बीमारी को दूर करे और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सबके दुख दूर करे, सब खुशी हों, सब एक दूसरे से मिलजुल सकें, सब एक दूसरे के पास जा सकें, पहले की तरह नॉर्मल ज़िंदगी हो जाए, बस मैं तो यही कहूँगी माता रानी से। तो कैसे हो आप सभी प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। जय माता दी। सबसे पहले तो आप सबको पहले नवरात्रि की बहुत 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 ही शुभकामनाएँ, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। और मेरी पूजा वूजा हो गई है, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ जितना भी हो सका पूरा तो शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि देखिए पूजा भी करनी थी, सब कुछ था, आज मेरा फास्ट भी था, व्रत भी था, तो सब कुछ तो शेयर नहीं कर सकी थी। पर हाँ, जितना मुझसे हुआ मैंने शेयर किया, क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि अगर मतलब मैं पूजा करूँ तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मुझसे जितना हुआ मैंने शेयर किया। और आज मैंने पहनी ये वाली साड़ी, चुंदरी वाली साड़ी, पहली बार नहीं पहनी, कई बार पहन चुकी हूँ पर हाँ आप लोगों के सामने पहली बार पहनी है। तो कैसी लग रही है? ये शुरू शुरू की बीमारी मेरी बहुत बुरी है, जब भी वीडियो में बात करूँगी तभी ये होता है, वरना नहीं होता ऐसे नहीं होता है। तो पता है एक बार मेरी मौसी बता रही थी, मेरी मौसी जी देख रही थी मेरा वीडियो, तो बोल रही थी, बोले तेरी अभी की नहीं है ये, तेरी बचपन की आदत है कि जब भी तू मतलब थोड़ा कंफ्यूज होती है या मतलब ऐसे होता है ना कि हड़बड़ाहट में होती है या ऐसे बात करती है तो तेरे ये होता ही होता है, ऐसे ही तू करती है। मैंने कहा अच्छा, और ऐसे नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल, सच में बोलूँ बिल्कुल नहीं होता, जब आप लोगों से बात करूँगी ना तभी ये सब चीज़ें होती हैं, पता नहीं यार क्यों, प्लीज़ तो इसको इग्नोर कर दिया करिए आप लोग। तो बताइएगा जरूर मेरी साड़ी कैसी लग रही है। तो मेरी पूजा बहुत अच्छे से हो गई और बहुत शांति से अच्छे से पूजा हो गई। माता रानी आप सब पर भी अपनी मेहर बनाए रखे और मुझ पर भी बनाए रखे। और मैंने आज ये मंगलसूत्र भी पहन लिया है अपना, ये मेरा गोल्ड का मंगलसूत्र है, ऐसे तो पहनते नहीं है देखिए रोज़ रोज़, मुझे रोज़ रोज़ अच्छा भी नहीं लगता कुछ, तो ये पूरा गोल्ड का नहीं है, ये चैन नहीं है, सिर्फ ये है, सिर्फ ये दिख रहा है, ये है बस, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था मेरी शादी की सालगिरह पर, मुझे गिफ्ट किया था, हो गए इसको 4-5 साल हो गए, तब मैं इसको बहुत ही संभाल के रखती हूँ। इसकी चैन दूसरी थी वो ख़राब हो गई, तो फिर मैंने ये वाली इसमें डाल लिया, ये भी मेरा मंगलसूत्र था, आर्टिफिशियल था, मतलब आर्टिफिशियल क्या, अच्छा था, ये भी इसका पेंडल है अभी भी मेरे पास, तो इसमें निकाल के डाल लिया। तो ये चैन मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऐसी गोल्ड की हो तो कितना अच्छा है ना, पर अपनी इतनी गुंजाइश नहीं है यार कि इतना भारी गोल्ड का ये बना सको। और मैंने ये कान के भी आज पहन लिए थे, ये मेरी शादी के हैं, ये भी गोल्ड के हैं, बहुत प्यारी डिज़ाइन लगती है मुझे इनकी, मैं इन्हें रेगुलर में भी यूज़ नहीं करती हूँ ताकि टूट ना जाए, ख़राब ना हो जाए, इसीलिए बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, कभी कभी पहनती हूँ ऐसे कोई त्यौहार वगैरह ओकेशन हुआ तभी पहनती हूँ, वरना ऐसे नहीं पहनती, ऐसे मुझे आदत भी नहीं है रोज़ रोज़ कुछ पहनना, सोने होने के क्या आर्टिफिशियल भी मैं रोज़ रोज़ नहीं पहनती, ना ही गले में ना ही कान में कुछ, मुझे अच्छा नहीं, मतलब अच्छा क्या, शुरू से मेरी आदत नहीं है, शुरू से मैं ऐसी रहती हूँ, तो पर अब थोड़ी ना रह पाएंगे यार, शादी के बाद थोड़ी ना ऐसे कोई रहता है। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों की पूजा कैसे रही आज माता रानी का पहला व्रत, मतलब जिसने भी व्रत किया हो, जिसने भी जब पूजा करी हो, कैसा रहा पहला माता रानी का दिन? मेरा तो बहुत अच्छा रहा, माता रानी के आशीर्वाद से बाकी सब भी अच्छा ही जाएगा। हेयर वॉश मैंने आज नहीं किया था, कल ही कर लिया था, क्योंकि आज शनिवार है तो शनिवार को हमारे यहाँ हेयर वॉश नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैंने कल शाम को सारा काम वाम ख़त्म करके, मतलब खाना पीना फिनिश करके, उसके बाद रात को अपना हेयर वॉश कर लिया था मैंने, और आज सिर्फ खाली पानी डाल लिया था सर पे। तो बताइएगा, मुझसे शेयर करिएगा,
और दो दिन से मेरा परसों नहीं परसों हाँ शायद मैंने अपना वीडियो डाला था, तो वो ऐसे ही था साफ़ सफाई का ये, और वीडियो मैं अभी बीच में नहीं डाल पा रही थी। कल मेरे बेटे का डांस था इसलिए नहीं डाल पाई, और फिर काम भी था बहुत सारा घर में, आप लोगों को पता ही है नवरात्रों के टाइम पे अब तो काम ही काम है। अब दीपावली आ रही है, नवरात्रे हैं, फिर करवा चौथ है, अब दीपावली से पहले तो करवा चौथ है, करवा चौथ की भी तैयारी करनी है। देखते हैं यार जितनी भी हो सकेगी करेंगे, इस बार ज़्यादा कुछ नहीं है, तो जितना भी कुछ भी होगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो आज तो मेरा फास्ट है, आज मैंने कुछ भी नहीं खाया, पूजा वूजा कर दी, आप लोगों के साथ शेयर करी जितना भी था कि कैसे करी होती है हमारे यहाँ पूजा। वैसे सबके नियम अलग अलग होते हैं गाइस, सब अपने अलग अलग नियम के हिसाब से पूजा अपनी करते हैं, हमारे यहाँ जैसे होता है वो मैंने आपके साथ थोड़ा बहुत जो था शेयर किया। और पूजा करने के बाद मैंने सिर्फ चाय पी है, क्योंकि सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था, खाया पी का फास्ट में तो कुछ खाते ही नहीं है, सिर्फ चाय पी है। तो फल वल फ्रूट वगैरह कुछ नहीं खाई, बोले थे खा सकते हैं पर नहीं, मेरी इच्छा ही नहीं हुई थी, मन नहीं हुआ था, तो मैंने सिर्फ अभी चाय पी है पूजा करने के बाद। और आप लोग बताइएगा आप लोग का आज का दिन कैसा गया, किस किस ने फास्ट रखा, किस किस ने सिर्फ ऐसी पूजा करी, कैसे रखी, मेरा मंदिर मैंने कैसे सजाया, माता रानी की चौकी मैंने कैसे सजाई, कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर गाइस, ज़्यादा तो कुछ नहीं। और प्लीज़ 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 यार पता है मेरे साथ मालूम नहीं क्या हो रहा है, मेरे ही साथ हो रहा है या सबके साथ हो रहा है, आप लोग भी बताइएगा। मेरे सब्सक्राइबर होते हैं ठीक, मतलब हो जाते हैं सब, मुझे अपना फ्रेंड बनाते हैं पता नहीं क्यों, फिर यूट्यूबर रोज़ के रोज़ यूट्यूबर 10-12 सब्सक्राइबर ऐसे अन कर दे रहा है, यूट्यूब ही करता है यार पता नहीं क्यों करता है, सब किस क्या किस किस के साथ ऐसा हो रहा है मुझे बताइएगा ज़रूर, उसकी वजह से मूड और ऑफ होता है, तो फिर वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं, मेरे इतने प्यारे प्यारे फैमिली बन रही है, इतने प्यारे प्यारे दोस्त बन रहे हैं, सब बेचारे मुझे मतलब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं, सब ये करते हैं फ्रेंड बनाते हैं, पर यूट्यूब फिर क्यों ऐसा करते हैं, रोज़ कंटिन्यू ऐसे हो रहा है, थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है ना। प्लीज़ मेरी यूट्यूब से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, क्यों ऐसा कर रहे हो, मत करिए प्लीज़। तो चलिए फिर, ये तो थी यूट्यूब से बात, और क्या बोल सकती हूँ मैं, विनती कर सकती हूँ आगे, उनकी मर्जी है। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा ज़रूर, मुझे कमेंट करके लाइक प्लीज़ लाइक, माता रानी के नाम पे यार लाइक तो बनता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं कि मैं माता रानी के नाम पे आप लोग को इमोशनल ब्लैकमेल करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे आपका मन करे तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरी साड़ी कैसी लग रही है, मैं कैसी लग रही हूँ, और सबसे पहले मेरी माता रानी कैसी लग रही हैं, मेरा मंदिर कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर आप लोग मुझे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, और आप लोग अपने भी बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे रखा माता रानी का फास्ट उपवास, और कैसा रहा पहला दिन माता रानी का, तो मुझे सब बताइएगा, मुझसे सब कुछ शेयर करिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और अपना स्नेह प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिए, मुझे आप लोगों का बहुत अच्छा अच्छा प्यार मिला, मुझे बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंड्स यूट्यूब पर बने हैं, जो कि कभी मेरे इतने सारे फ्रेंड नहीं थे जो यूट्यूब पर मेरे बने, बहुत अच्छा लगता है। और मैं वीडियो नहीं भी बनाती पर फिर भी मैं अपने फ्रेंड्स के वीडियो जो भी अपलोड होती हूँ मैं जाके सबको कमेंट करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा आज का वीडियो आप लोगों को मेरा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का एंड यहीं पर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट बताइएगा ज़रूर, ठीक है, और प्लीज़ 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 गाइस फुल वॉच किया करिए, प्लीज़ फुल वॉच करिए, आप लोगों की हेल्प के बिना कुछ भी नहीं है, प्लीज़ सपोर्ट मी प्लीज़, फुल वॉच नहीं तो 5 मिनट तो वॉच करा ही करिए ना गाइस। तो चलिए बाय बाय, जय माता दी, माता रानी आप सबके कष्ट दूर करे, सबकी मनोकामनाएं पूर करे, जय माता दी, जय माता दी, बाय बाय।